أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 24/7 ٹیچرز آن لائن یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اے سی سی اے 501 بزنس فائنانس کا ہمارا جو جی ڈی بی آیا ہوا ہے سپرنگ 2024 کا اس حوالے سے ہے تو چلیے دوستو ہم سب سے پہلے اپنا جی ڈی بی دیکھیں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے سالو کیسے کرنا ہے तो जीडीपी का जो क्वेश्चन है वो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें हमें एक टेबल दिया गया है और बताया गया है कि इसमें दो कंपनियां हैं, एक एबीसी कंपनी है और एक एक्सवाईजी कंपनी है। दोनों का जो है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है और इसके बाद हमें इस दोनों के जो है वो एडमिन एक्सपेंसिव दिए गए हैं जो कि सेम हैं, और इसमें हमें डेप्रिसिएशन दी गई है जो मुख्तलिफ है। ए बी सी कंपनी की जो है वो डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 लाख है, जबकि एक्स वाई सी कंपनी की जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास जो है 5 लाख है। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी जो सारी चीजें हैं इसमें अदर इनकम वो भी हमारी सेम है, इसलिए हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। एक हमारे पास 25 लाख आ रही है और दूसरी हमारे पास जो है वो 22 लाख आ रही है। और हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट द एवरेज टैक्स रेट, कि हमने एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करना है दोनों कंपनियों का, और हमने ये बताना है कि कैसे वो जो है डेप्रिसिएशन वो एक्ट करती है एज अ टैक्स शील्ड, कि ये टैक्स शील्ड के तौर पे कैसे वर्क करती है डेप्रिसिएशन। और हमारा जो आंसर है वो सेम ऐसे ही होना चाहिए कि पहले एवरेज टैक्स रेट कंपनी एक्स ए बी सी का लिखना है, फिर कंपनी एक्स वाई वी का लिखना है टैक्स रेट, और फिर आपने जस्टिफिकेशन देनी है नीचे। और इसके लिए हमें कुछ कहा गया कि आपने इस टेबल को जो है टैक्स रेट का जो है वो फॉलो करना है, यानी कि 5 लाख तक अगर टैक्सेबल इनकम है तो उसके लिए हमारा जो टैक्स रेट है वो 15% है, और अगर आपकी 7.5 लाख तक है तो 25% है, अगर 10 लाख है तो 30% है, अगर 30 लाख है तो 35, अगर 50 लाख है तो हमारा 38% जो है वो टैक्स रेट है। दोस्तों ये जो मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर इसमें कोई गलती हो प्लस माइनस की या कोई और आपको गलती नजर आती है तो आपने उसको अपने एंड पे ठीक कर लेना, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ठीक होगा। अब यहां पे देखें ये वही टेबल है जो हमें टैक्स रेट वाला दिया गया है, ये एक्सेल मैंने इसके अंदर सारी कैलकुलेशन की है। ये 25 लाख हमारा ए बी सी कंपनी का है और इसी तरह ये जो 22 लाख है ये हमारा एक्स वाई वी कंपनी का है जो हमें वहां पे बताया गया। तो ये दोनों कंपनियों का जो है वो मैंने लिख लिया है, और इसके बाद अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देता हूं। हमने सबसे पहले निकालना है जी एवरेज टैक्स रेट। अब जो एवरेज टैक्स रेट है वो निकालने के लिए हम लोग जो है यहां पे कुछ चीजों को जो है वो देखेंगे। एवरेज टैक्स रेट अब यहां पे देखें, सबसे पहले तो हमने इस टेबल को फॉलो करना है। अब इस कंपनी की जो इनकम है, मैं एक कंपनी का आपको समझा देता हूं, 25 लाख है। अब देखें हमारे पास जो पहली स्लॉट है उसके अंदर 5 लाख तक अगर इनकम है तो 15%, तो ये देखें 5 लाख इनकम आ गई। इसको मैंने 15 से जो है वो मल्टीप्लाई किया 15% से, तो हमारे पास 75,000 जो है वो टैक्स आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला जो स्लॉट है वो 7.5 लाख की है और ये स्टार्ट होती है 5 लाख एक से, तो अब ये देखें कि 7.5 लाख में से मैंने जो है वो माइनस किया 5 लाख, तो 2.5 लाख बच गए। अब 2.5 लाख जो है वो हमारा 25% रेट लगेगा, तो ये हमारे पास 62,500 जो है जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगली जो स्लॉट है वो 10 लाख की है, तो 10 लाख में फिर देखें 7.5 लाख एक से शुरू हो रहा है, तो ये देखें 10 लाख में से माइनस किया मैंने हमारा 7.5 लाख, तो हमारे पास 2.5 लाख बच गए, तो 2.5 लाख के ऊपर जो है मैंने टैक्स रेट अप्लाई किया 30%, तो वो हमारे पास 75,000 आ गया। इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है कि 2.5 लाख वर्ब 30 तकसीम 100 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने 5 लाख पे निकालना है तो 5 लाख वर्ब 15, मतलब जितने परसेंटेज हो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो जवाब आ जाता है। 2.5 लाख के ऊपर देखें हमने 30% लिया, तो ये भी 75,000 आ गया। अब ये देखें कि इन तीनों रकमों को अगर हम जमा करते हैं कि 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 10 लाख बन जाता है। तो 10 लाख हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास बाकी 15 लाख बच गया। अगली जो स्लॉट है वो हमारे पास 30 लाख की है। अब यहां पे मोस्टली जो मैंने वीडियोस देखी हैं वहां यहां पे गलती की है कि यहां पे हमने 30 लाख लिख दिया, जबकि हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 25 लाख है। तो हमने 10 लाख के ऊपर पहले चार्ज कर दिया, तो
तो बाकी हमारे पास 15 लाख बचता है। तो यहां पे जो है मैंने 25 लाख लिखा है, क्योंकि 25 लाख में फिर हम जो है वो 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 लाख बचेगा। तो इस टोटल इनकम को अगर हम जमा करते हैं तो ये देखें यहां पे 25 लाख आती है। तो इसलिए ये मतलब मुझे एक पॉइंट लगा कि जो हमें करेक्शन की जरूरत है। तो यहां पे 25 लाख, तो ये हमारे पास 15 लाख बच गया। तो 15 लाख को जो है वो मैंने मल्टीप्लाई किया 35 से और तकसीम 100 किया, तो मेरे पास 5,25,000 जो है वो जवाब आ गया। तो जब हमने इन सारी रकमों को जमा किया तो हमारे पास जो टोटल टैक्स है वो हमारे पास बन जाता है 7,37,000। तो ये हमारी जो है टैक्स आ गया। इसका जब हमने परसेंटेज निकाला, उसका निकालने का तरीका क्या है, 7,37,000 हमने तकसीम करेंगे, हमारा 25 लाख जो है वो टोटल इनकम है, तो हमारा जो है वो जवाब आ जाएगा 29%। तो 29% जो है ये हमारा एवरेज टैक्स रेट बन जाएगा। तो यहां तक आप लोग देख लें कि ये हमारा जो है वो 29% जो है इसका जवाब आ गया। इसी तरह हमने ये 22 लाख का कंपनी जो है एक्स वाई जी कंपनी, इसका हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने 5 लाख पे 15% कैलकुलेट किया, फिर 2.5 लाख पे हमने 25% कैलकुलेट किया, फिर हमने 10 लाख के ऊपर 30% कैलकुलेट किया, और फिर 12 लाख पे जो है हमने कैलकुलेट किया 35%। तो ये हमारा टोटल जो जवाब है वो हमारे पास बन जाता है 6,32,500। तो ये हमारा जो है वो टैक्स बन गया। अब 6,32,000 को हमने तकसीम किया 22 लाख के साथ, तो हमारा जो जवाब है वो आ जाता है 28.75। अब ये देखें कि कंपनी एबीसी का जो है वो 29.50% है, और जो कंपनी एक्स वाई जी है उसका जो है वो हमारे पास 28.75% है। तो कंपनी एक्स वाई जी का जो एवरेज टैक्स रेट है वो कम है, जबकि कंपनी एबीसी का जो एवरेज टैक्स रेट है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद उसने हमें ये कहा कि आपने ये बताना है कि कैसे डेप्रिसिएशन जो है वो इसके अंदर एक्ट करती है एज अ शील्ड। तो हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो अब ये देखें कि हमारी जो इनकम है वो टोटल हमारी है 25 लाख एबीसी कंपनी की, और एक्स वाई जी की जो है वो 22 लाख है। अब मैंने यहां पे कैश फ्लो कैलकुलेट किया है। कैश फ्लो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 25 लाख माइनस किया मैंने, ये जो हमारा टैक्स आया है 7,37,500, तो हमारे पास 17,62,500 जो है वो हमारे पास कैश फ्लो बच गया। इसी तरह 22 लाख माइनस 6,32,500, तो ये हमारे पास 15,67,500 बच गया। अब हमने डेप्रिसिएशन को जो है इसके अंदर एड अप करना है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर हमें टैक्स जो है वो नहीं लगता। तो यहां पे देखें डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 लाख है, और कंपनी एक्स वाई जी की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास 5 लाख है। तो यहां पे देखें 17,62,500 के अंदर मैंने 2 लाख जमा किया, तो हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो 19,62,500 बन गया। इसी तरह कंपनी एक्स वाई जी की जो डेप्रिसिएशन है वो 5 लाख है, तो यहां पे जब मैंने 15,67,500 के अंदर जमा किया 5 लाख को, तो ये हमारे पास जो नेट इनकम है वो देखें आ रही है 20,67,500। तो ये जो कंपनी एबीसी है इसकी जो इनकम नेट फ्लो आ रही है, नेट कैश फ्लो, वो आ रही है 19,62,500। अब ये देखें कि जो कंपनी एबीसी है उसकी इनकम 25 लाख थी, और उसकी जो नेट कैश फ्लो आ रहा है वो 19 लाख आ रहा है। इसी तरह जो कंपनी एक्स वाई जी थी इसकी इनकम जो है वो कम थी, 22 लाख थी, लेकिन इसका जो नेट कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 20 लाख। तो ये 1 लाख का तकरीबन फर्क है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन की वजह से आया, और यही हमारी जो है वो जस्टिफिकेशन बनेगी कि जिस कंपनी की डेप्रिसिएशन ज्यादा है उसका जो नेट कैश फ्लो है वो भी ज्यादा है, तो इसलिए हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो एज अ टैक्स शील्ड प्रोवाइड करती है किसी भी कंपनी को इन इंक्रीजिंग देयर नेट कैश फ्लो और नेट इनकम। और ये हमने कैलकुलेशन के जरिए साबित भी किया कि कंपनी एक्स वाई जी जो है उसकी इनकम कम थी, लेकिन जो उसकी डेप्रिसिएशन थी वो 5 लाख ज्यादा थी, तो इसलिए इसका जो नेट इनकम या नेट कैश फ्लो है वो ज्यादा है, वो हमारा 20,67,500 बनता है। तो ये दोस्तों एक आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर इसमें कहीं पर कोई गलती हो प्लस माइनस की तो आपने उसे भी करेक्ट कर लेना है। तो मेरे हिसाब से जो जवाब बनता है वो यही है, यही आपने जस्टिफिकेशन दे दी है। वापस हम अपनी फ्लाइट के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने अपना जो जीडीपी है वो कैसे सॉल्व करना है।
दोस्तों बिजनेस फाइनेंस के मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर, उसको सब्सक्राइब करें और उन लेक्चर्स से भी फायदा उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।